तो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे अभी जो देख पा रहे हो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ 1000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक एक ऐसा पे लेटर वाली एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे इससे बड़ा और कोई भी पे लेटर वाली एप्लीकेशन नहीं है। और सबसे बेस्ट बात यह है यहाँ पे 18 ईयर्स जो है आपकी एज है तो भी चलेगा और मैक्सिमम जो है वो है 55 ईयर्स, राइट ना। यहाँ पे 1000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक आपको जो अमाउंट मिल रहा है जिसपे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं इससे भी फास्ट, इससे भी छोटे बहुत बड़े बहुत सारे पे लेटर वाले एप्लीकेशन है, लेकिन इतना बड़ा बजट जो दे 10 लाख रुपीज तक अमाउंट, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन इसके अलावा और नहीं है। और मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। भाई देखिए, इस तरह से कमेंट एवरीडे आता है, मैं क्या बोलूँ। अगर आप पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोट्स में जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल की आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जाए और आप जो है अपनी नीड के हिसाब से वीडियो को देख सके। भाई इस तरह से कमेंट जो है वो हमेशा आते रहता है कि मेहता भाई मुझे नहीं मिला। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि मेहता भाई मुझे मिला, जैसे कि शायद आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ओके। लेकिन और लोगों की, कुछ लोगों की कमेंट आते हैं मेहता भाई मुझे इसमें नहीं मिला, ये थोड़ा दूसरा कोई एप्लीकेशन है तो बताइए। भाई मैं एक बात आपको बोलता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन में जो है अप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही मत कीजिए। मैं कितने बार बोला हूँ, वो हर एक एप्लीकेशन का ऑडियंस टारगेट है, उसके बाद में ही वो जो है लोन देती है। किसी को लोन दे दिया ऐसा नहीं है, सही है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए तक एक ही बार में अमाउंट मिल सकता है, मतलब मिनिमम 1000 और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख रुपए, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव स्क्रीन दिखाता हूँ जो मुझे जो यहाँ पे अमाउंट मिला है। जब मुझे मिला है तो आपको भी मिल सकता है। मैं कोई कंपनी में, इंडिया की कोई भी कंपनी में मैं जॉब नहीं करता हूँ, सही है। और कोई इनकम प्रूफ नहीं देना है, कोई भी आईटीआर नहीं देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि काफी लोगों का हेल्प हो जाए। मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही मैं जो अपनी वीडियो चैनल की उठा के जब इंस्टाग्राम पर किसी को सेंड कर देता हूँ, जब मुझे बोलते हैं कि मेहताब मुझे नहीं मिला, प्लीज हेल्प कीजिए, कोई बेस्ट एप्लीकेशन बताइए, तो ऐसे ही इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को जो हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले चीज यहां पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूं, वो आप यहां पे देख लीजिए। जो इसका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 18% से लेकर के 70% तक है। 70% बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 18% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है। 1 लाख रुपए तक का अमाउंट अगर आपको मिल जा रहा है तो आप देख लीजिए यहां पर अमाउंट जो है आपको यहां पर जो रीपेमेंट करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है 1,11,196 रुपए, सही है। यहाँ पे 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा और 18% 12 महीने के लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो आपके ईएमआई जो मंथली जो ईएमआई जो आने वाला है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए इसे हम हटाते हैं और एक बार ऊपर फिर से एक बार और यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, ये मतलब इसका एक्सप्लेन क्या हुआ है। एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है तो ये इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई कि हमारे साथ क्या होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए ये आरबीआई अप्रूवल वाली एप्लीकेशन है। और अगर किसी कारण अगर यहां से नहीं मिलता है तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, बिना केवाईसी के लाइव बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। भाई स्क्रीनशॉट नहीं लगाया हूं मैं, बिल्कुल लाइव मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। वो अमाउंट मैंने दिखा है 20,000 का लोन जिसका थंबनेल ये है, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया है, देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, सही है। चलिए तो ये चीज आपने यहां पर समझ गए, आप यहां पर देख पा रहे हो। और एक और भी बात है कि ये जो एप्लीकेशन बिलोंग करता है फ्रॉम द भारत पे, जो आप यहां पे देख लीजिए भारत पे जो है इसे ऑपरेट कर रहा है, सही है। और आई नो कि आपको भारत पे मालूम है। एप्लीकेशन के नाम की बात करूं तो देख लीजिए पोस्ट पे एप्लीकेशन है, 4+ रेटिंग के साथ है। अगर इसकी डाउनलोडिंग की बात करूं तो भैया देख लीजिए इसका 50 लाख प्लस इसके डाउनलोडिंग है। और इस एप्लीकेशन में मैं आपको बता दूं कि रेफर एंड अर्न वाले सिस्टम है, आपको यहां पर बताता हूं थोड़ा सा, एक मिनट, मतलब रेफर करके पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे देख लीजिए रेफर एंड अर्न है, 5% कैशबैक, लेकिन मैं इसमें एज ए लोन पार्टनर नहीं हूं तो मैं नहीं कह रहा हूं कि, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज थोड़ी सी मेहनत करके प्ले स्टोर से आके आप जो इसे डाउनलोडिंग करके उसके बाद आप जो है लोन अप्लाई कीजिएगा बिना किसी इनकम प्रूफ से, यहां से ये ले सकते हैं 0% इंटरेस्टेड 430 डेज जो आप यहां पर देख पा रहे हो। आई होप कि इतना समझ में आ गया, एप्लीकेशन का नाम क्या है, रेटिंग क्या है, वो भी समझ में आ गया। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि मैंने जो मिला है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। चलिए अब आप यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पे जो है मैंने जो अमाउंट जो यूज किया है वो अभी तक तो रीपेमेंट नहीं किया, डेट ओवर हो रहा है, एप्लीकेशन का नाम भी यहां पे शो कर रहा है, सही है। अब चलिए मैं यहां पे मैं पे नाउ पे क्लिक कर रहा हूं, अब देखिए मैं यहां पे नाउ पे क्लिक कर रहा हूं,
अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब ये जो है अब यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके फिर मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैं पूरा यहाँ पे आप पे करना है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सही है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा जो भी कुछ आपकी आंखों के सामने है। तो मैं यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे UPI से पे करना चाहूँगा, जो ये UPI यहाँ पे दिख रहा है UPI से मैं पे करना चाहूँगा। मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे मोबाइल में ये रिक्वेस्ट आया है यहाँ पे, जो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशंस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। सही है, मैं इसे ओपन करता हूँ, देख लीजिए ये ओपन हो रहा है। स्क्रीन पे ब्लैक दिख रहा होगा इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पे नाउ करने का ऑप्शन आ गया है, तो चलिए मैं इसे पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं अपना MPIN यहाँ पे डालूंगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, तो मैं यहाँ पे MPIN डालता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे पेमेंट किया है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, और आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पेमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुली मैंने कर लिया है। नीचे में रेटिंग देने के लिए आ रहा, मैं अभी नहीं दूंगा। क्लिक करके मैं यहाँ पे डन पे क्लिक किया और फिर से जो है मुझे यहाँ पे पेमेंट 38,000 आ गया है। अगर मैं इसे विड्रॉल करना चाहूँ तो फिर से कर सकता हूँ। नीचे में ये जो आइकन यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का ऑलरेडी जो मेरा अकाउंट नंबर है वो लिंक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो अमाउंट है आप देख लीजिए कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 200 रुपीज डाल देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा है, 200 रुपीज। अभी इसका जो प्रोसेसिंग फीस कितना है, मतलब प्रोसेसिंग मतलब कि जो ये ट्रांसफर हो रहा है तो इसका एक कन्वर्सन चार्ज लग रहा है, तो देख लीजिए 3% लग रहा है यहाँ पे। सही है, आप यहाँ पे फीस जो है चार्जेस कन्वर्सन फीस 6+IMPS, जो इसका जो चार्जेस जो है अभी अपडेट के साथ, सॉरी बदल गया है, मैं नहीं देखा क्योंकि इससे पहले वाला मैं देख के बता रहा था। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये इसके चार्जेस लग रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसे फिंगर दिया और यहाँ पे ये ट्रांसफर हो रहा है। अब जो है मैं अपना कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे एप्लीकेशन भी ओपन करता हूँ, ताकि यहाँ पे आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हो चुका है तो आप मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूंगा। फाइनली अभी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए। सही है, अब मैं यहाँ पे ओपन करके व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए 200 रुपीज जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है, जो मैंने लाइव डेमो आपको दिखाया है यहाँ पे। तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको सभी चीज मैंने आपको बताया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने जो 200 रुपए जो ट्रांसफर किया है मेरे बैंक अकाउंट में, यहाँ पे आ गया। जो भी कुछ है इस वीडियो में मैंने आपको लाइव दिखाया है। तो आई होप गाइज के समझ में आ गया है कि एप्लीकेशन के नाम सभी चीज मैंने आपको बताया। यहाँ पे ओनली KYC लगता है, 18 साल जो एज है वो लोग भी यहाँ से अप्लाई कर सकता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए Thanks for watching and take care.